क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में इस चैप्टर में हम क्लासिफाई करेंगे, क्या क्लासिफाई करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे, कौन कितना मैग्नेटिक है, तो कोई ज्यादा मैग्नेटिक है, कोई कम मैग्नेटिक है, कौन कितना मैग्नेटिक है, इसको क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का जो सिंबल है वो क्या होता है, वो म्यू होता है, हमने किया हुआ है, जैसे एप्सिलॉन ऐसी म्यू। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, सिंबल क्या होता है, म्यू आर। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एप्सिलॉन की तरह ये म्यू की तरह काम करता है, जैसे एप्सिलॉन करता है इसमें म्यू करता है। एक फॉर्मूला इसमें बस नोट कर लें, फॉर्मूला है कि जो म्यू ऑफ आर की वैल्यू है इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू एम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। प्लीज इस फॉर्मूले को नोट कर लें, जो म्यू ऑफ आर की वैल्यू है इज इक्वल टू म्यू एम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। जैसे एप्सिलॉन आर की वैल्यू को डिस्कस किया था, ऐसी म्यू एम की वैल्यू को डिस्कस किया। तो म्यू आर की वैल्यू रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, कि इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी इन वैक्यूम। पहली डेफिनेशन क्लियर है सबको यहां तक, और कुछ नहीं पढ़ना इसमें, सफिशियंट है इतना। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक इंडक्शन तो हम एक महीने से पढ़ रहे हैं, इसका सिंबल क्या है, बी, टेस्ला। टेस्ला और बी तो हम स्टडी कर ही चुके हैं, तो मैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लक्स डेंसिटी एक ही बात है, तो ये बी टेस्ला में मेजर होता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये दो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए नहीं कि डेफिनेशंस आएंगी, इसलिए कि इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नाम मिलता जुलता है, क्या नाम है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दूसरे का नाम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नाम देखो कंफ्यूजन हो जाती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। तो इसकी कंफ्यूजन को मैंने ऐसे दूर किया, मैं ये एक बार आपको पता तो होना चाहिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या चीज है, बट मैं इसको सिंबल से डिनोट करता हूं ताकि मुझे खुद याद रहे। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को मैं सिंबल से याद करता हूं, इसका सिंबल है एच, इसका सिंबल है एच, तो मैं एच वर्ड यूज करूंगा, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जगह मैं क्या यूज करूंगा, आई। तो एक एच है और एक आई है, क्या है एच और आई, इसको समझना जरूरी है तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। एच क्या चीज है, आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक सब्सटेंस को मैग्नेट बनाना चाहता हूं, मान लो आयरन है, आयरन का पीस है और लोहे का पीस है, और मैं क्या बनाना चाहता हूं, उसे मैग्नेट बनाना चाहता हूं, तो मुझे उसको किस में रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करूं, मान लो इस रूम में मेरे को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करूं, मैग्नेट्स लेके आऊं। अगर मैं मैग्नेट लेके आऊंगा, फिर आप कल को कोई और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, फिर और मैग्नेट्स लेके आऊं, ये तो बहुत लंबा काम है, तो क्या करूं, इलेक्ट्रो मैग्नेट, करंट वाली मैग्नेट यूज करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे पता है कि करंट कैरिंग वायर एक्ट लाइक अ मैग्नेट। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो मैं एक सोलेनोइड ले आता हूं, क्योंकि सोलेनोइड के एक्सिस पे बी जनरेट हो जाता है, तो मान लो एक सोलेनोइड लेके आया और उसमें मैंने इस तरीके से करंट इस तरीके से जनरेट किया आई, और सोलेनोइड के एक्सिस पे मैंने आयरन के पीस को रख दिया, ठीक है, कुछ ऐसे, ये देखो, ठीक है, इसमें मैंने करंट पास किया आई, तो इसमें मैंने आई करंट पास किया,
तो इसमें हमने क्या किया, एक स्पेसिमेन लिया, हमने एक आयरन का पीस लिया और इसके एक्सिस पे रख दिया, इसके एक्सिस पे रख दिया, राइट। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़े, तो मेरे पास क्या तरीका है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एन आई, या तो मैं करंट बढ़ा दूं, अगर करंट बढ़ गया तो भी बी बढ़ जाएगा, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं तो भी बी बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो बी बढ़ाने का तरीका क्या है, या एन बढ़ा दो या आई इंक्रीज कर दो, ऑनलाइन क्लियर है। ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर। हाँ ठीक है, आपको डिस्टरबेंस आ रही है आवाज में कोई साउंड में? यस सर, बीच में एक ऐसा है सर, द विंडो इज आल्सो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, या तो एन बढ़ा देंगे या आई बढ़ा देंगे, या एन बढ़ाएंगे या आई बढ़ाएंगे, दो चीजें। तो हम क्या करते हैं, एन और आई की जगह एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं एच, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एच, वेयर एच इज इक्वल टू एन इनटू आई, देखो। तो मैंने क्या कहा, या तो n बढ़ा दो या i बढ़ा दो, दोनों में से कुछ भी बढ़ा दो तो h की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर मुझे b बढ़ाना है, अगर मुझे b की वैल्यू बढ़ानी है, तो आज के बाद मैं ये बोलूंगा कि h बढ़ा दो। h बढ़ाने का मतलब या तो मैंने n बढ़ाया होगा या मैंने i बढ़ाया होगा, करंट बढ़ाया होगा। तो इस h को क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो क्योंकि इतना लंबा मैं बोलना नहीं चाहता ना, अब तुम्हारी मर्जी है, या तो n बढ़ा के b बढ़ा दो या i बढ़ा के b बढ़ा दो, पर b बढ़ाना है, मैं सीधा शॉर्टकट बोलूंगा h इंक्रीज कर दो, क्लियर है यहां तक। दूसरा पॉइंट है इसमें, b का फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, और n इंटू आई की जगह क्या पुट किया, h। तो यह स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, के अंदर यह बताया गया है कि जो सब्सटेंस है जिसको मैंने मैग्नेट बनाना है, उसको मैंने सॉल्वेंट के अंदर रखा था, वो कितना मैग्नेटाइज हुआ। देखो H का मतलब है हमने कितना फील्ड अप्लाई किया, अब उससे पूछो ना कि फील्ड जिसने लिया, किसने लिया, आयरन के पीस या कि स्पेसिमेन ने लिया, वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, उसको वो ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ, वो कम मैग्नेटाइज हुआ, वो बहुत ज्यादा मैग्नेट, ये कम ज्यादा तो होता नहीं है, कोई नंबर होगा, वो नंबर क्या है, आई, आई फॉर करंट नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है जो ये बताता है कि जितना ज्यादा आई हाई होगा, आपका सब्सटेंस उतना ही मैग्नेट की तरह काम करेगा, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। तो इसके अंदर
अगर सपोज करो एक आयरन का पीस जो आपने लिया था, आयरन का पीस है जो सोलेनोइड के अंदर दिया और वो मैग्नेट बन गया, तो इसका अगर इसका देखो शायद चल पड़े, तो इसमें इसमें चेक करो, इसके अंदर जो सब्सटेंस मैंने मैग्नेटाइज के लिए स्पेसिमेंट रखा उसका अगर आपको आई निकालना है तो आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी। तो जो भी ये मैग्नेट बन जाएगा इस मैग्नेट का क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, और इस सब्सटेंस के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आया जाएगा, और कैपिटल एम होता क्या है, स्मॉल एम इंटू टू एल, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू टू एल, तो इसको कैंसिल करेंगे एम बाय एरिया। अब एक चीज देखो, जो आई है इसके यूनिट्स क्या हैं, कैपिटल एम के यूनिट्स क्या होते हैं, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया, और वॉल्यूम क्या है, मीटर, मीटर का क्यूब, तो कैपिटल एम, कैपिटल एम जो है करंट का मतलब एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर, और वॉल्यूम का मतलब मीटर का क्यूब, कैंसल तो क्या यूनिट आए, एम्पियर पर मीटर। क्या स्टेप क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, एच के यूनिट्स क्या थे, एच के, एच के एन इंटू आई, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई का मतलब करंट, तो एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, तो कमाल की बात, एच और आई के यूनिट्स एग्जैक्टली सेम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? एच और आई के यूनिट्स एकदम सही हैं, सेम है। आगे तो एच का मतलब हमने कितना फील्ड अप्लाई किया ताकि सब्सटेंस मैग्नेट बने, आई का मतलब उसकी कितनी, वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया, वो आई आपको बताएगा। इसको कैसे यूज करना है थोड़े टाइम में भी देखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, लास्ट डेफिनेशन है ससेप्टेबिलिटी का सिंबल काए, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने यूज किया था, काए मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ कितना आपने एच अप्लाई किया और आपके एच अप्लाई करने से सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ, तो काई इज इक्वल टू आई बाय एच, तो काई की वैल्यू क्या है, आई बाय एच। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टेबिलिटी, परमिएबिलिटी क्या है म्यू आर, ससेप्टेबिलिटी क्या है काई, इनका रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें मान लो आपके पास एक सोलेनोइड है, ठीक है, तो आपके पास एक सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड के अंदर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इस सोलेनोइड में मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इस सोलेनोइड में आपने करंट आई पास किया तो इसके एक्सिस पे क्या जनरेट हो गया, बी नॉट जनरेट हो गया, ठीक है, बी नॉट जनरेट हो गया। अब आपने इसमें आयरन का पीस रखा, वो आयरन का पीस क्या हो गया, मैग्नेट बन गया, जब वो मैग्नेट बन गया तो उसने भी तो मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो इसने कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक बात बताओ, अगर मैं म्यू नॉट को एच से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या टर्म आती है, बी, आंसर टेस्ला में आता है। अगर मैं म्यू नॉट को आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर किसमें आएगा, टेस्ला में आएगा, क्यों, क्योंकि एच के और आई के यूनिट्स एग्जैक्टली सेम है, तो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर टेस्ला में ही आएगा। क्लियर है? तो आपने सोलेनोइड में बी नॉट अप्लाई किया, अंदर लोहे का पीस मैग्नेट बन गया, कितना मैग्नेट बना वो कौन सी टर्म बताएगी, आई, तो कितना मैग्नेट बना, आई मैग्नेट बना, तो म्यू नॉट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर टेस्ला आएगा। तो इससे ये पता लगता है, इससे ये पता लग रहा है कि अगर मैं आई की वैल्यू को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करूं टेस्ला आएगा, तो सब्सटेंस कितना मैग्नेट बना वो आई बता रहे हैं, सब्सटेंस कितना मैग्नेट बना वो आई बता रहे हैं, तो सब्सटेंस ने कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके आई को, टेस्ला आ गया। अब यानी कि सॉलिड के एक्सिस पे दो दो फील्ड है, एक फील्ड क्या है, सोलेनोइड का,
एक फील्ड क्या है, लोहे के पीस का, स्पेसिमेन का। तो सोलेनोइड का फील्ड कितने बी नॉट है और स्पेसिमेन का फील्ड कितने है म्यू नॉट आई है। तो टोटल फील्ड कितना हो गया, टोटल फील्ड हो गया बी विच इज इक्वल टू बी नॉट प्लस म्यू नॉट आई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो टोटल जो फील्ड की वैल्यू है वो सोलेनोइड की तो है ही है, साथ में क्या है म्यू नॉट आई भी है। ठीक है, अब मुझे पता है कि सोलेनोइड में जो आपने बी नॉट था, सोलेनोइड में जो बी नॉट अप्लाई किया था वो कैसे किया था, म्यू नॉट इनटू एच से। ये तो स्पेसिमेन का फील्ड है, सोलेनोइड का फील्ड ये है, म्यू नॉट क्या आ गया इसमें कॉमन आ गया, म्यू नॉट कॉमन आ गया और काई क्या होता था आई बाई एच, तो आई क्या है काई इंटू एच। तो आप इस आई की जगह पुट कर सकते हैं काई इंटू एच, तो यहां से एच कॉमन आ गया, एच कॉमन आ गया तो आपके पास एच को नीचे ले आओ तो ये टर्म आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर जो बी यूज हो रहा है वो वैक्यूम का नहीं है, क्यों? क्योंकि वैक्यूम में क्या रख दिया गया, आयरन का पीस। अब ये क्या बन गया, मीडियम बन गया। अब अगर ये मीडियम बन गया तो बी का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, म्यू मीडियम इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एच नहीं, म्यू मीडियम इंटू एच। तो बी यानी कि लेफ्ट साइड पे मीडियम का चल रहा है, अब मीडियम में कौन, वैक्यूम प्लस स्पेसिमेन। तो यहां पर म्यू एम इंटू एच, तो एच से एच कैंसिल, तो क्या बना म्यू एम कर लेना यहां, म्यू एम, म्यू का मतलब म्यू एम होता है। तो यहां पर क्या आ गया, म्यू ऑफ एम आ गया। म्यू एम के नीचे म्यू नॉट को ले आओ, ये क्योंकि म्यू एम है, म्यू एम के नीचे म्यू नॉट के ले आओ तो ये क्या आ गया म्यू ऑफ आर आ गया। तो म्यू आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, तो ये आंसर आ गया। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें सबसे पहले सॉल्वेंट का बी लगाया, सॉल्वेंट का बी लगाया, सॉल्वेंट का बी लगा के मैंने इसमें स्पेसिमेन आयरन का पीस रखा, मैंने इसमें आयरन का पीस रखा, उसमें भी बी लगाया, म्यू नॉट आया, काई आई की जगह काई इनटू एच, ये टर्म आई, एच नीचे आ गया, b is mu m into h, h से h cancel, तो mu upon mu not मिला, mu और आता। पॉइंट क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन क्लियर है? तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जो रिजल्ट हमने ऊपर किया उसको यूज कैसे करना है वो थोड़ी देर में बताऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक मटेरियल्स को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है, डायमैग्नेटिक, दूसरा क्या है पैरा, और तीसरा क्या है फेरो। इनमें डिफरेंस, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उन जैसे कॉपर, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं बाय नेचर इनका एटम एक भी मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट है ही नहीं, यानी कि उनके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो डायपोल मोमेंट जनरेट नहीं करते,
और जो इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल है दे डोंट एक्ट लाइक अ मैग्नेट। और सोचने वाली बात है, अगर वो मैग्नेट ही नहीं है तो फिर उनको मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में क्यों ऐड किया, बताऊंगा अभी। दूसरा जो मटेरियल है वो है फेरो, फेरो आयरन। इसका एक एक एटम बहुत स्ट्रांग मैग्नेट है, एक इलेक्ट्रॉन घूमता है बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट करता है, एक एक एटम स्ट्रांग डायपोल जो है, एक एक एटम बहुत स्ट्रांग मैग्नेट है। अगर लाख करोड़ एटम्स हैं, करोड़ मैग्नेट्स हैं एक आयरन के अंदर, पर फिर भी आयरन आयरन है, फिर भी आयरन मैग्नेट नहीं है, क्योंकि आपस में डायपोल मोमेंट क्या कर जाते हैं, एक दूसरे को कैंसल। तीसरा पैरा, पैरा ना समझो कि छोटा भाई है पैरा फेरो का, मतलब आप ये कहो कि फेरो का एटम स्ट्रांग मैग्नेट है तो पैरा का एटम मैग्नेट है, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं, जो फेरो का इफेक्ट है ज्यादा स्ट्रांग है, पैरा का इफेक्ट थोड़ा कम स्ट्रांग है, डाया का तो मैग्नेट है ही नहीं। ये मोटा मोटा डिफरेंस है। आगे चलते हैं, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन। पहला स्टेटमेंट क्लियर है। दूसरा, प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या प्रॉपर्टीज हैं? एक्सपेरिमेंट किया गया इनकी नेचर को समझने के लिए। तो अगर एक कॉपर है या कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उनको अगर आपने सस्पेंड कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इन्होंने अपनी ओरिएंटेशन कैसे कर ली? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन नहीं हुए, उसके परपेंडिकुलर हो गए। ये शो करता है क्या कि ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं या अपोज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। फिर किसने एक्सपेरिमेंट किया, इनको पाउडर फॉर्म में ले लिया, पाउडर फॉर्म में या स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो जब पाउडर रखा तो यहां से सारा पाउडर गायब हो गया, साइड पर इकट्ठा हो गया, तो यानी कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। फिर किसी ने इनको लिक्विड फॉर्म में ले लिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, यहां से दूर भाग गए और वीक की तरफ भाग गए, तो यानी कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने की कोशिश की, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनके अंदर से एक भी क्रॉस नहीं हुई, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, अपने अंदर से लाइंस को क्रॉस नहीं होने देते। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी है, इनकी म्यू आर की वैल्यू हमेशा लेस देन वन है, इनकी रिलेटिव परमिबिलिटी लेस देन वन है। तो आपने ये रिजल्ट किया हुआ है म्यू आर और काई का, अगर म्यू आर लेस देन वन है तो काई क्या आएगा, नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, काई नेगेटिव, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कंसीडर अ मटेरियल जिसका काई नेगेटिव है, ऑब्वियसली वो डाया मैग्नेटिक है क्योंकि इनका काई नेगेटिव है। क्लियर है यहां तक? तो आपको पता लगेगा कि डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, नाम नहीं लेगा कभी भी डायमैग्नेटिक, या तो बोलेगा म्यू आर लेस देन वन है या बोलेगा काई नेगेटिव है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। सेम एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया गया, पैरा। तो पैरा वो सब्सटेंसेस हैं जिनके इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल हैज नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन। तो इनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है एटम का। तो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, जब इनको फेरो और पैरा की प्रॉपर्टी सेम है, इनको जब सस्पेंड किया गया ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो गए, ये रहना पसंद करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, इनको पाउडर फॉर्म में लिया तो जहां स्ट्रांग मैग्नेट था, मैग्नेटिक फील्ड था, वहां पर ये ढेरी इकट्ठी हो गई, साइड से इकट्ठी सेंटर में आ गई जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। लिक्विड फॉर्म में लिया गया जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर राइज हो गया लेवल, वहां इकट्ठा हो गया लिक्विड, इसकी बजाय यहां इकट्ठा हो गया। लाइन सारी की सारी इनमें से क्रॉस करती हुई दिखाई थी, उल्टा काम कर रहा है डाया से। और इसका म्यू आर क्या होता है, ग्रेटर देन वन, और अगर ये ग्रेटर देन वन है तो काई क्या होगा इसका, पॉजिटिव। तो कहेगा कंसिडर अ मटीरियल जिसका काई पॉजिटिव है, तो वो मटीरियल या तो फेरो होगा या फिर पैरा होगा, डाया नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। फेरो के अंदर तो बता ही दिया कि इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, अफेक्ट जो है मोर है पैरा से, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। ठीक, यहां तक ये क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा है, अभी थोड़ी देर में समझाता हूं मैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन थ्योरी है मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म को अब स्टार्ट करते हैं।